तो करतारपुर गुरुद्वारा आया, पूरा घूमा। मतलब सुबह मैं आया हूँ यहाँ पे शायद 11 बजे से, 11 से अभी लगभग 2:30 या 3 बज रहे हैं, शायद से 2:30 बज रहा है। तो पूरा घूमा अंदर, यार बहुत बड़ा है। मैं पूरा घूमा मतलब मैं फिर भी पूरा नहीं घूमा हूँ, तो भी मेरे ख्याल से 10-15% पार्ट रह गया होगा, थोड़ा बहुत अगर छूट गया होगा तो। पर बाकी तो मैं पूरा घूम के आ गया। मतलब मैं पहले दर्शन लिया, फिर गुरुद्वारा घूमा, फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक की, थोड़ा वीडियोस बनाया, फिर लंगर हॉल गया, लंगर लिया। लंगर लेने के बाद मैं मार्केट गया, उसके बाद में मैं फिर हम बंदे आए और उन्होंने मुझे बोला कि भैया फ़ोटो खिंचा दोगे, हमको भेज देना। बोला ठीक है, पर मैं भेजूंगा कैसे? फिर उन्होंने नंबर वगैरह शेयर किया। मतलब पहले हम कनेक्ट कर रहे थे कैमरा के थ्रू, पर वो हो नहीं रहा था, तो हमने मतलब अभी नंबर शेयर किया उसके साथ में। तो अभी मैं जो भी फ़ोटोज़ खींची है उनको दे दूंगा। वैसे भी रॉ है, क्या ही करते बंदे, एडिट करना पड़ता है। मैं थोड़ा एडिट करके उनको भेज दूंगा, तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, फिर उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ खींची। तो काफ़ी सारा फ़ोटो सेशन किया हम लोगों ने और अच्छी क्लिक्स किए उन्होंने मेरी। फिर बाद में कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई तो फ़ोन पे क्लिक्स किया। अभी कैमरे की बैटरी ख़त्म है इसलिए ये भी फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। कुछ कुछ बीच में का पार्ट फ़ोन से ही मैंने शूट किया है। तो अभी चलो ठीक है, अभी सब कुछ घूम के हो चुका, फिर से एक बार मार्केट में जाके आया और अभी निकलने का टाइम है तो निकलते हैं। बस आएगी थोड़ी देर में। वैसे भी वापसी की जर्नी में जैसे आते वक्त हमारी रावी नदी ने हमारा स्वागत किया था, अभी जाते वक्त उसी रावी को अलविदा कह के फिर से इंडिया लौट रहा था। और इंडिया लौटते वक्त मतलब ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, ये एक पतली सी वाइट लाइन, जीरो लाइन जिसे हम कहते हैं, यार ये ऐसे मतलब पैदल चल के क्रॉस करना ये कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस हर किसी को तो नहीं मिलता, पर अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं। तो भाई अभी बज रहा है, 3 बज रहा है और मैं अपने टर्मिनल 1 पे वापस आ गया हूँ इंडियन साइड में। और अभी यहाँ से एक्चुअली मुझे एक सरप्राइज़ मिला है अभी कि मुझे डेरा बाबा नानक जो यहाँ पे 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर है बस स्टैंड, तो मेरे को चल के जाना पड़ेगा। बाहर कोई ऑटो वाटो है नहीं यहाँ पे, अगर कोई शेयरिंग या लिफ्ट वाला मिल जाए तो मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है, फ़िलहाल तो ट्रैफिक ट्रिक अच्छा रहा है अपना और सही रहा, मज़ा आया बहुत, आके देखना चाहिए सबको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं अभी अपने को कुछ मिलता है बाहर या शेयरिंग में, या तो ऑटो ऑटो मिलता है तो, नहीं तो फिर अपने को वैसे भी पास में ही है, चल के हम पहुँच जाएंगे। चलो तो अभी मैं सीधा जो मैंने एयरबीएनबी बुक किया है वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे भी थोड़ा ही बैटरी बचा था तो, और मैंने फ़ोटोज़ ही निकाले नहीं थे, मेरे फ़ोटो ही नहीं थे वहाँ पे कुछ। तो मैं मार्केट से जब वापस आया तो मैं यही सोचा था कि अभी फ़ोटो निकालने हैं, कैसे निकालते हैं। मतलब तभी बोलो आप क्या, अभी पता नहीं कैसे वो दो बंदे मुझे मिल गए, मतलब दोनों पाकिस्तान से आते हैं, नारोवाल से ही थे वो, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान के। तो वो उन्होंने मुझे पूछा कि यार भाई हम आपके कैमराज में फ़ोटो निकालें, हम वाईफाई से ट्रांसफ़र करेंगे कैमरा के। बोला ठीक है निकालते हैं, बोला मेरे भी निकाल दो कुछ फ़ोटो। तो ऐसे हमने जो थोड़ी बहुत बैटरी बची थी उसमें उनका मेरा ऐसा सब हमारा फ़ोटो सेशन मैंने किया। बाद में बैटरी ख़त्म हो गई जब मैं निशान साहिब के पास फ़ोटो खिंचा रहा था, तो जो भी बाद में के फ़ोटोज़ है हमारे और वो भाई लोग के, तो उनके और मेरे मोबाइल में हमने निकाल लिए। और जो भी उनके फ़ोटोज़ थे तो मैं उनको अभी अलग से मेल पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। काफ़ी ठीक है, अभी दिन भर बैटरी चली मेरी, क्योंकि मैं सुबह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कैमरा अलाउड होगा, पर कैमरा अलाउड था। और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हुई ना इमिग्रेशन में सुबह, कि यार मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना, ये देख लो, मैं फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आते, मेरे फेस पे फोकस कर रहा है।
पता नहीं क्यों यार, पर ये ना पूरा ऐसा प्लेन हो गया है, मेरे जो टिप्स एंड फिंगर टिप्स प्लेन हो चुके हैं पूरे। मतलब आधा घंटा यार कैसे तो भी वो फिंगरप्रिंट्स आए मेरे। बाद में जब पाकिस्तान एंटर हुआ तभी वही सेम प्रॉब्लम आया, पर मुबाशिर भाई बहुत सही थे पाकिस्तानी इमिग्रेशन के, जो मुल्तान से काफ़ी बातें की उन्होंने मुझसे उस दौरान। लास्ट में जो है ये वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि कल और एक दिन बचा है मेरे पास और मेरी फ़्लाइट है 7:00 कल, तो 5:00 तक मेरे पास टाइम है। कल मैंने जालियांवाला बाग किया नहीं है और पार्टीशन म्यूजियम किया नहीं है, तो पार्टीशन म्यूजियम और जालियांवाला बाग में कल करूँगा। तो फिर ये ऐसा सारा प्लान था, करतारपुर की वजह से ये सारा प्लान बना। और तो और हाँ, सबसे पहली बात तो उन सब लोगों को मैं थैंक्स कहूँगा जिनके वजह से मेरा ये ट्रिप पॉसिबल हुआ है। मेरे दोस्त हो गए, पुलिस स्टेशन वाले हो गए, हमारे लोकल पुलिस स्टेशन सटाना वाले, और हमारे एसपी ऑफिस वाले हो गए नासिक रूरल के। मतलब इन लोगों का जो प्रोसेस था ना, इतना फास्ट था ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन करने के 2 ही घंटे बाद उन्होंने वेरिफिकेशन भेज दिया। और नासिक वाले भी, जो हमारे गोसावी सर थे फॉरेन डिपार्टमेंट से रूरल एसपी ऑफिस के, तो उन्होंने भी तुरंत ही मुझे कॉल करके बोल दिया कि भाई आप वेरिफिकेशन करा लो, आपका करतारपुर का अपने एप्लीकेशन दिया है। बोला हाँ ठीक है। और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कैसे अंडरटेकिंग वगैरह देनी है, वो दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए, एसपी ऑफिस में सबमिट किए, और मतलब बहुत स्मूथ हो गया, बहुत ही स्मूथ हो गया। तो चलो अभी मैं सोता हूँ, क्योंकि कल भी मुझे फिर और एक्सप्लोर करना है। कल रात को भी मेरी ठीक से नींद नहीं हुई थी, आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं आज अच्छे से सोता हूँ, कल यहाँ से चेकआउट करके फिर मैं आगे एक्सप्लोर करने जाऊँगा और मुंबई के लिए निकलूँगा। तो चलो, बाय बाय, गुड नाइट।